हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम हिस्ट्री से संबंधित एक महत्वपूर्ण टॉपिक को पढ़ाने जा रहे हैं। क्वेश्चन आंसर के रूप में यानी एमसीक्यू के रूप में आपका बिहार टीचर का एग्ज़ाम हो, बिहार पुलिस का एग्ज़ाम हो, रेलवे का एग्ज़ाम हो, एमटीएस का एग्ज़ाम हो, यूपीएससी हो, बीपीएससी हो, सभी में यहाँ से प्रश्न आपको देखने को मिल जाएगा, इसकी गारंटी हम देते हैं। आज हम पढ़ेंगे, सबसे पहले कुषाण को हम शुरू कर रहे हैं और कुषाण से संबंधित जो भी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है उसको हम आज आपको बताएंगे। इससे पहले हम सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता, मौर्य सभ्यता, इसके बाद यवन आक्रमण, शुंग, कनौ, सातवाहन, इन सब के बारे में हम एमसीक्यू के रूप में पढ़ा चुके हैं। उस वीडियो को आप प्लेलिस्ट पे जाके जरूर देख लीजिएगा। आज हम कुषाण के बारे में जानेंगे, कौन था कुषाण, कहाँ से आया था, किस तरह राज्य स्थापित किया, किसका यह सामंत था उसको हम जानेंगे और फिर प्रश्न उत्तर को भी देखेंगे। पहले आपको मैप के थ्रू हम आपको समझाते हैं। देखिए, एक छोटा सा मैप हम बना लेते हैं भारत का, ठीक है। ये आपको हम एक छोटा सा मैप भारत का बना लिए, ठीक है, और इसमें आपको हम बताएंगे कि किस तरह कुषाणों ने, ये आपका भारत हो गया वर्तमान का, इसके भीतर ये पाकिस्तान हो गया, इधर जो है बांग्लादेश हो गया, इधर जो है आपका नेपाल हो गया और इधर जो है आपका अफगानिस्तान हो गया, ठीक है, अफगानिस्तान हो गया और ये आपका जो है चीन है, ठीक है, और इधर जो है आपका वह म्यांमार है। ये आप समझ गए, आराम से समझ गए। अब देखिए, कुषाणों ने क्या किया, ये बाहरी थे, विदेशी थे, भारत पर वह किस तरह से अपना राज स्थापित किया इसको पहले आप जानिए, फिर हम क्वेश्चन को करेंगे। देखिए, हम आपको एक दूसरे जो है स्केच से ये चीजें को बता रहे हैं। देखिए, कुषाण जो है वह पांच कबीलों के रूप में पांच जगहों पर गए थे। उसमें से एक कबीला जो था यूची कबीला, वह भारत के तरफ आया और उसने अफगानिस्तान, ये तिब्बत चाइना का क्षेत्र, इधर पाकिस्तान का क्षेत्र और ये वाला जो क्षेत्र सब था इस पर अधिकार कर लिया। इतने बड़े क्षेत्र पर जो है कुषाणों ने अधिकार कर लिया, जिसमें अफगानिस्तान, पाकिस्तान, तिब्बत का क्षेत्र जो अभी तीन चीन का क्षेत्र है और भारत का क्षेत्र, सभी शामिल थे और पहला पार्थियन को हराकर उनके क्षेत्रों पर इसने अधिकार कर लिया और फिर अपना राज्य स्थापित किया। पहले यह शैव धर्म को मानते थे, शिव के उपासक थे, लिंग की पूजा करते थे, लिंग योनि की। बाद में कनिष्क ने महायान बौद्ध धर्म को अपनाया और फिर बौद्ध हो गए। इससे पहले वाले शासक शंकर की पूजा करते थे, शैव धर्म को मानते थे, पूरे विश्व में शैव धर्म को ही माना जाता था। तो आप इस मैप में समझ लिए कि ये पूरा क्षेत्र जो है वह था कुषाण का, ठीक है। अब हम इससे संबंधित प्रश्नों को करेंगे और आपको बताएंगे कौन प्रथम कुषाण वंश का संस्थापक था भारत में, क्या उसकी उपलब्धि थी, सभी को हम एक एक करके आपको बताएंगे। आप मेरे साथ जुड़े रहिए। चलिए, पहला प्रश्न है कि भारत में सोने का सिक्का किसने, किसके द्वारा चलाया गया था, जिस पर देवताओं तथा राजा के चित्र तथा तिथि अंकित किया गया था। भारत में सोने का सिक्का सबसे पहले किसके द्वारा चलाया गया था, जिस पर राजाओं, देवताओं और तिथि अंकित किया गया था। तो यह सिक्का चलाया गया था इंडो ग्रीक के द्वारा। यह भी विदेशी थे, वह भी जो है इसी क्षेत्र पर जो है अधिकार किए हुए थे और इनके द्वारा ही भारत में सबसे पहले सोने का सिक्का चलाया गया, जिस पर देवताओं के भी चित्र अंकित थे, राजा के भी चित्र अंकित थे और
तिथि भी अंकित था। इसको याद रखिएगा, बार बार पूछा जाता है कि सोने का सिक्का किसने चलाया। एक और सिक्का ज्यादा पूछा जाता है कि सीसा का सिक्का किसके द्वारा चलाया गया था, तो सातवाहन वंश के द्वारा चलाया गया था सीसा का सिक्का, यह भी कई बार पूछा जाता है। नेक्स्ट, पिछला वीडियो में हमने इसको पढ़ाया है, प्लेलिस्ट में जाकर सातवाहन वंश से संबंधित एमसीक्यू मैंने करवाया है, आप उसको जाके देख लीजिएगा। तो इसको याद रखिएगा, सभी एग्जाम के दृष्टिकोण से ये VVI है। अगला प्रश्न है, गौतमी पुत्र सतकर्णी किस शक शासक को हराया था। गौतमी पुत्र सतकर्णी किस शक शासक को हराया था। ऑप्शन ए में है रुद्रदामन प्रथम और ऑप्शन बी में है नहपान। दोनों शक शासक है, दोनों शक शासक है, लेकिन गौतमी पुत्र सतकर्णी के द्वारा नहपान को हराया था। याद रखिएगा, गौतमी पुत्र सतकर्णी सातवाहन वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था, इसको याद रखिएगा, ठीक है, सबसे प्रतापी शासक था। इसने जो क्षत्रप, जो नहपान क्षत्रप के रूप में माना जाता था, जो शक शासक था, वह भारत पर आक्रमण किया तो उसको हराया और उसको पीछे धकेल दिया, ठीक है। सातवाहन वंश का जो शासन था वह दक्षिण में था, दक्षिण में कहां पर था वह भी जान लीजिए। इसके नीचे का जो क्षेत्र है यह सातवाहन वंश के अंतर्गत था, याद रखिएगा। इसके जो नीचे का जो क्षेत्र है इस पर था सातवाहन और इसके ऊपर कुषाणों ने अधिकार किया था, इसको भी याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसलिए इसको भी याद रखना है। अगला प्रश्न है, किस शक शासक ने सुदर्शन झील का मरम्मत कराया था और संस्कृत में गिरनार अभिलेख को लिखवाया था। किस शक शासक ने सुदर्शन झील को मरम्मत कराया था और गिरनार अभिलेख संस्कृत में, जो समय संस्कृत में लिखा जाने वाला सबसे बड़ा अभिलेख था, किसने लिखवाया था। तो याद रखिए, ऑप्शन ए में है रुद्र सिंह तृतीय, ऑप्शन बी में है रुद्रदामन प्रथम। तो इसका आंसर होगा रुद्रदामन प्रथम। इसने क्या किया था कि सुदर्शन झील जो महाराष्ट्र सौराष्ट्र में पड़ता था उसको मरम्मत कराया था, सुदर्शन झील का निर्माण कराया था चंद्रगुप्त मौर्य, याद रखिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश का शासक था, उसने सुदर्शन झील का मरम्मत करवाया था। उसके बाद अशोक भी जब वह टूटा था तो उसका मरम्मत कराया था, लेकिन सुदर्शन झील का निर्माण सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य कराया था, कहाँ, सौराष्ट्र में, यानी ये वाले क्षेत्र में जो है सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा कराया गया। बाद में उसमें दरार आया तो अशोक के द्वारा मरम्मत कराया गया। उसके बाद रुद्रदामन प्रथम के द्वारा सुदर्शन झील का मरम्मत कराया गया, यानी यह शक शासक था, VVI है, याद रखिएगा। इसी ने गिरनार अभिलेख जो है संस्कृत में लिखाया था, जो उस समय सबसे बड़ा अभिलेख संस्कृत में लिखा जाने वाला था। दोनों क्वेश्चन के रूप में आपके एग्जाम में पूछा जाता है, VVI है, रट लीजिएगा, एग्जाम में 100% आएगा, चाहे बिहार टीचर हो, CTET हो, BPSC हो, बिहार पुलिस हो, सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। अगला है रुद्र सिंह तृतीय को हराकर किसने उसकी हत्या कर दी और चांदी का सिक्का जीत की खुशी में चलाया था। रुद्र सिंह तृतीय की हत्या किसने कर दिया और खुशी में चांदी का सिक्का चलाया था।
ऑप्शन ए में है माउस, ऑप्शन बी में है चंद्रगुप्त द्वितीय। देखिए रुद्र सिंह तृतीय जो एक शक शासक था उसकी हत्या चंद्रगुप्त द्वितीय जो गुप्त वंश का था इसने क्या किया, हत्या कर दिया। और इस जीत की खुशी में चांदी का सिक्का चलाया और विक्रमादित्य की उपाधि भी लिया था। याद रखिएगा एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, चंद्रगुप्त द्वितीय ने ही महरौली में लौह स्तंभ का निर्माण किया था जो अभी दिल्ली के महरौली में है। याद रखिएगा ये दोनों क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि चांदी का सिक्का किस गुप्त शासक ने जीत की खुशी में चलाया था, जो शक शासक रुद्र सिंह तृतीय को हराकर जीता था, हत्या करके जीता था। एक ये क्वेश्चन गुप्त काल से संबंधित पूछा जाता है और दूसरा किसने महरौली में लौह स्तंभ का निर्माण किया था, तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने किया था। काफी इंपॉर्टेंट है, ये सारे भी आई हैं, याद कर लीजिएगा। कॉपी एक बनाइए जिसमें सारे प्रश्नों को आप एमसीक्यू के रूप में लिखते जाइए ताकि लास्ट में रिवीजन करने में आपको फायदेमंद हो। चलिए अगला प्रश्न को हम देखते हैं, मैप के थ्रू ही देखेंगे, शुरू करते हैं। अगला प्रश्न है पांचवा, भारत में पहला राज्य की स्थापना किसके द्वारा किया गया था। पहला राज्य पार्थियन राज्य की स्थापना, देखिए कुषाण से पहले पार्थियन थे, उन्होंने क्या किया था, ये किधर किया था, आइए उसको पहले हम लोग जान लेते हैं। पार्थियन का भी राज जो था यही वाला क्षेत्र था, ठीक है, ये पार्थियन का क्षेत्र था। इसी पर जो है कुषाण जो है इनको हरा के और जो है कब्जा करते हैं। लेकिन यहाँ प्रश्न है कि भारत में पहली बार राज्य की स्थापना, पहला राज्य की स्थापना यानी पार्थियन राज्य की स्थापना किसके द्वारा किया गया था, तो माउस के द्वारा किया गया था। भारत में पार्थियन यानी पहला राज्य की स्थापना भारत में माउस के द्वारा किया गया था। लेकिन वास्तविक संस्थापक भारत में पहला राज्य यानी पार्थियन राज का गंदोफर्निस था और ये ईरान के निवासी थे, ईरान के रहने वाले थे। याद रखिएगा वहां से आए थे, इधर होते हुए आप पूरे क्षेत्र पर कब्जा कर लिए थे, यह भी विदेशी ही थे, ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कुषाण वंश का संस्थापक, कुषाण वंश का संस्थापक कौन था, ये सब भी आई है। कुषाण वंश का संस्थापक कौन था, तो कुषाण वंश का संस्थापक कुजुल कन्फ्यूसस था, ऑप्शन ए में ये है कुजुल कन्फ्यूसस प्रथम, ये कुषाण वंश का संस्थापक था। यूची कबीला से संबंधित रखता था, यह भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कुषाणों ने अपनी राजधानी कहाँ बनाया था, ऑप्शन ए में है पुरुषपुर और ऑप्शन बी में है मथुरा। तो देखिए कुषाणों ने अपनी प्रथम राजधानी पुरुषपुर को बनाया था जो वर्तमान में पेशावर यानी पाकिस्तान में स्थित है, यानी ये है आपका पुरुषपुर, ठीक है, पेशावर, और इसी को कुषाणों ने अपनी प्रथम राजधानी बनाया था। इसके बाद जब आप कनिष्क के समय आएंगे तो कनिष्क जो है पुरुषपुर को प्रथम राजधानी और मथुरा जो आपका उत्तर प्रदेश में स्थित है उसको दूसरी राजधानी कनिष्क ने बनाया था, यह भी याद रखिएगा। कनिष्क के समय दो राजधानी था, प्रथम पुरुषपुर पाकिस्तान में स्थित है, दूसरा मथुरा जो उत्तर प्रदेश में स्थित है यानी भारत में स्थित है। दो राजधानी कनिष्क के समय था, उसी ने बनाया था, इसको याद रखिएगा। अगला है किस कुषाण शासक ने सबसे अधिक सोने के सिक्के चलाए जिस पर शिव नंदी त्रिशूल के चित्र अंकित थे। देखिए आया ना सोने का सिक्का, अब देखिए इसका ऑप्शन ए में है भीम कन्फ्यूसस, ऑप्शन बी में है कनिष्क। तो देखिए यहां कह रहा है कुषाण शासक,
जिसने सबसे अधिक मात्रा में मतलब ज्यादा सोने का सिक्का चलाया, जिस पर त्रिशूल नंदी का चित्र अंकित था, शिव का चित्र अंकित था, तो वह था विम कन्फ्यूशियस। याद रखिएगा, यहां दो प्रश्न आपको समझने वाला है। अगर पूछे कि सबसे पहले सोने का सिक्का किसने चलाया, तो इंडो ग्रीक। आप पूछे सबसे अधिक मात्रा में सोने का सिक्का किसने चलाया, तो कुषाण वंश में विम कन्फ्यूशियस जो राजा थे उन्होंने सबसे अधिक मात्रा में सोने का सिक्का चलाया। पूछे कि शिव नंदी या त्रिशूल का चित्र किनके सोने के सिक्के पर अंकित था, तो कुषाण के सिक्कों पर अंकित था जो विम कन्फ्यूशियस के द्वारा चलाया गया था। अगला प्रश्न है, शक संवत 78 ईस्वी में किसके द्वारा चलाया गया था, तो शक संवत 78 ईस्वी में कनिष्क के द्वारा चलाया गया था। याद रखिएगा, भारत सरकार का भी यही संवत है, शक संवत। याद रखिएगा, भारत सरकार भी शक संवत को ही फॉलो करता है। संवत कई चलाए गए हैं, जैसे विक्रम संवत 57 ईसा पूर्व में, शक संवत 78 ईस्वी में, गुप्त संवत 319 ईस्वी में चलाया किसके गया था, तो चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा गुप्त संवत, कनिष्क के द्वारा जो है शक संवत चलाया था, विक्रमादित्य के द्वारा 57 में जो है विक्रम संवत चलाया गया था। आगे इलाही संवत भी मिलेगा जो अकबर के द्वारा चलाया गया था, हिजरी संवत भी मिलेगा जो पैगंबर मोहम्मद से संबंधित है। तो ये संवत हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, टाइम समय पीरियड को निर्धारित करता है, ठीक है। तो भारत सरकार का जो संवत है वह संवत जो है कुषाणों से लिया गया है, वह 78 ईसा ईस्वी में शक संवत जो चलाया था वही भारत का भी संवत है, इसको भी याद रखिएगा। अगला है, चौथा बौद्ध संगति सम्मेलन किस शासक के समय वशुमित्र की अध्यक्षता में कुंडलवन जो कश्मीर में था में कराया गया था, तो यह कराया गया था कनिष्क के समय में। याद रखिएगा, चार बौद्ध सम्मेलन हुए हैं। एक वीडियो में मैं चारों बौद्ध सम्मेलन से संबंधित जो है एक वीडियो लेके आऊंगा, जिसमें प्रथम बौद्ध सम्मेलन, द्वितीय बौद्ध सम्मेलन, तृतीय बौद्ध सम्मेलन, चतुर्थ बौद्ध सम्मेलन, किस समय राजा कौन था, अध्यक्ष कौन था, कहाँ हुआ था, कब हुआ था, इस सारी वीडियो को हम एक वीडियो लाएंगे एमसीक्यू के रूप में, सारे के बारे में जानकारी देंगे। क्योंकि अभी कुषाण हम पढ़ रहे हैं इस वीडियो में, तो कुषाण के समय चौथा बौद्ध सम्मेलन हुआ था कनिष्क के समय में, उसकी अध्यक्षता वशुमित्र ने किया था और यह हुआ था कश्मीर के कुंडल वन में। इसीलिए हमारे लिए यह इम्पोर्टेंट है, और इसमें बौद्ध धर्म दो भागों में टूट गया, महायान और हीनयान। महायान जो है नए विचारों को ग्रहण करते थे, और हीनयान रूढ़िवादी विचारों को ग्रहण करते थे। महायान वालों ने ही सबसे पहले बुद्ध का मूर्ति बनाकर पूजा करने शुरू किया। बुद्धम शरणम गच्छामि मतलब ईश्वर के रूप में उनकी पूजा करना शुरू किया। देखिए, हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से सारे VVI हैं, बिहार का कोई एग्जाम हो या सेंट्रल का एग्जाम हो या कोई स्टेट का एग्जाम, 100% यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। एक दो बार अगर आप वीडियो देख के चले जाइए तो 1 से 2 क्वेश्चन आपका एग्जाम में पक्का। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए दोस्तों, अब हम आपसे विदा लेते हैं। लास्ट में ही कहेंगे, अच्छा लगे लाइक सब्सक्राइब शेयर। बाय बाय दोस्तों।